Good morning, everyone. Welcome you all in this science class. I am Kavita Gupta, your science teacher, and today we will continue our chapter, 10th chapter, respiration in organisms. Okay, in the last video I have told you about the aerobic and anaerobic respiration. Okay, aerobic respiration in the presence of oxygen and anaerobic absence of oxygen. Okay, ये थे हमारे respirations. इसके अलावा जो रेस्पिरेशंस हैं, मैंने आपको बताया था, जो रेस्पिरेशन हम पढ़ते हैं वो हमारा ब्रीदिंग से अलग होता है. एक्चुअल में जो रेस्पिरेशन है वो टू टाइप्स का है, इंटरनल रेस्पिरेशन एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. जो हम रेस्पिरेशन पढ़ते हैं नॉर्मली वो हमारा कहलाता है इंटरनल रेस्पिरेशन, बिकॉज इट अकर्स इन सेल्स. पता है ना हमें कि जो रेस्पिरेशन होता है वो कहाँ होता है, हमारी सेल्स के अंदर होता है. ठीक है, इसीलिए हम इसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन या इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं. ओके, और जैसे मैंने आपको बताया था जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग क्या है, एक तरीके से एक्सटर्नल पार्ट है इसका. एक्सटर्नल मीन्स केवल हम इसमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं. तो दिस इज कॉल्ड द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. ओके, ब्रीदिंग को क्या कह सकते हैं हम, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं. और ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन. ओके, ओनली क्या है, इसका एक छोटा पार्ट है ब्रीदिंग, और इसे हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं. ओके, सो आवर टुडेज टॉपिक इज ब्रीदिंग, कि ब्रीदिंग क्या होता है. हमें पता है जब भी रेस्पिरेशन होता है सेल्स के अंदर तो क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ठीक है, ये तीन चीजें रिलीज होती हैं. जब भी हम रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो सिंपल हम कौन से रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है, जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नॉर्मली होता है. ओके, तो बार बार मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि एरोबिक है या एनारोबिक है, सिंपली हम केवल किसकी बात कर रहे हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं. ओके, नाउ द टॉपिक इज ब्रीदिंग एक्टिविटी 10.1. डू दिस एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर. ओके, टीचर तो नहीं है बट आप अपने एल्डर्स के प्रेजेंस में इस एक्टिविटी को कर सकते हैं. क्लोज योर नॉस्ट्रिल्स एंड माउथ टाइटली एंड लुक एट अ वॉच. ओके, अपने नॉस्ट्रिल्स और माउथ को अच्छे से टाइटली पैक कर लो, बंद कर लो, और आपको क्या देखना है, लुक एट ए वॉच. वॉच मीन्स घड़ी की तरफ देखना है. व्हाट डिड यू फील आफ्टर सम टाइम, थोड़े टाइम के बाद आप क्या फील करेंगे, कैसा लगेगा आपको, आपका दम घुटने लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि सांस नहीं आ रही है, अजीब सी बेचैनी सी हो जाती है. ठीक है, ये चीज होती है. तो इट मीन्स क्या है कि हम क्या नहीं कर पा रहे हैं, हम ब्रीदिंग नहीं कर पा रहे हैं, मीन्स एयर को इनहेल नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, क्योंकि हमने अपने नॉस्ट्रिल्स और माउथ दोनों को बंद कर लिया. ओके, हाउ लॉन्ग वर यू एबल टू कीप बोथ ऑफ देम क्लोज, कितनी देर तक आप दोनों को क्लोज रख सकते हैं. नोट डाउन द टाइम फॉर विच यू कुड होल्ड योर ब्रीथ. ओके, मीन्स उस टाइम को क्या करना है, नोट करो जितने टाइम तक आप अपनी ब्रीथ को होल्ड करके रख सकते हो. So now you know that you cannot survive for long without breathing. Okay, means हमें इससे क्या पता चलता है कि हम बिना ब्रीदिंग के, बिना ऑक्सीजन के बहुत ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकते, है ना. कुछ सेकेंड्स के लिए ही केवल हम अपनी ब्रीदिंग को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं. ओके, तो ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. ओके, ब्रीदिंग, ब्रीदिंग क्या होता है, अंडरलाइन कर लेना, ये डेफिनेशन है ब्रीदिंग की. ब्रीदिंग मीन्स एयर जो कैसी है, ऑक्सीजनेटेड है, मीन्स जिसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है उसको इनहेल करना, अंदर लेना, और बाहर किसे निकालना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को. ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये हमारा क्या कहलाता है, ब्रीदिंग कहलाता है. और किसकी हेल्प से करते हैं ये सब, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो हमारे होते हैं, इसमें नॉस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी, लंग्स, ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती है. ओके, द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन. ठीक है, इसमें दो प्रोसेस साथ साथ चल रहे हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. इनहेलेशन मीन्स टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन मीन्स क्या, गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, the taking in of air rich in oxygen into the body is called inhalation and giving out of rich air of air rich in carbon dioxide is known as exhalation. It is a continuous process
which goes on all the time and throughout the life of an organism. ये एक ऐसा प्रोसेस है जो पूरा हमारा थ्रू आउट आवर लाइफ, जब तक हम मीन्स जिंदा हैं, लाइफ है हमारी, तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहता है. कौन सा प्रोसेस? ब्रीदिंग का, मीन्स इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. ये दोनों प्रोसेस साथ साथ चलते रहते हैं. ओके, द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट इज टर्म्ड एज अ ब्रीदिंग रेट. ठीक है, ब्रीदिंग रेट क्या होती है, ये एक और डेफिनेशन है, इसे भी अंडरलाइन कर लेना, कि द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ मीन्स एक मिनट के अंदर हम जितनी बार ब्रीद करते हैं, मीन्स ऑक्सीजन लेते हैं और बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, सांस लेना और उसको छोड़ना, ये जो प्रोसेस है ये हम एक मिनट में जितनी बार करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, ब्रीदिंग रेट कहलाता है. और ये जो चीज है पर्सन टू पर्सन भी वेरी कर सकती है. ठीक है, नॉर्मली अगर जनरली हम एक पर्सन की बात करें तो ये जो रेट है वो कितनी होती है, 14 टू 18 टाइम्स पर मिनट. मीन्स एक मिनट में 14 से 18 बार हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं. सांस एक बार अंदर लेना और छोड़ना, इट मीन्स वन ब्रीथ. एक बार हमने ब्रीथ किया तो इसमें दोनों चीजें आ जाती हैं, सांस लेना और उसको छोड़ना. मीन्स इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन इज वन ब्रीथ. ओके, दोनों मिलाकर हमारी एक ब्रीथ होती है. तो कितनी बार हम 14 से 18 बार एक मिनट में ये प्रोसेस करते हैं. बट ये जो प्रोसेस है वो हमारा बढ़ जाता है. कब बढ़ जाता है? जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, फास्ट रनिंग करते हैं, हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जिसमें हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, उस टाइम जो हमारी ब्रीदिंग रेट है वो 25 टाइम्स पर मिनट तक बढ़ जाती है. ठीक है, नॉर्मली 14 से 18 बार होती है, बट उस टाइम हमारी कहाँ तक पहुँच जाती है, ये 25 तक पहुँच जाती है. ड्यूरिंग ब्रीदिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक्स प्लेस अल्टरनेटिवली. अल्टरनेटिवली मीन्स एक के बाद एक ये चलते हैं. पहले हम क्या करते हैं, इनहेलेशन करते हैं, फिर एक्सहेलेशन करते हैं, फिर इनहेलेशन करते हैं, फिर एक्सहेलेशन करते हैं. मीन्स एक के बाद एक चीजें हम इस तरीके से करते हैं. अब ब्रीथ मीन्स वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन. एक ब्रीथ मीन्स क्या होता है, एक इनहेलेशन किया हमने और वन क्या किया, एक्सहेलेशन किया, एक बार सांस ली और एक बार छोड़ी. ये हमारी एक ही ब्रीथ में काउंट होती है. ओके, यू लाइक टू फाइंड आउट योर ब्रीदिंग रेट. क्या हम अपनी ब्रीदिंग रेट फाइंड आउट कर सकते हैं? यस, हम कर सकते हैं. ठीक है, मीन्स घड़ी को देखते हुए, वॉच को देखते हुए हम देख सकते हैं कि हमारी ब्रीदिंग रेट कितनी है. हम मीन्स एक मिनट का टाइम सेट करके उसमें, और हम अपने आप उसको काउंट कर सकते हैं कि कितनी बार हमने सांस ली और कितनी बार हमने सांस छोड़ी. ठीक है, डू यू वॉन्ट टू नो वेदर इट इज कॉन्स्टेंट और इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन बाय द बॉडी. यस, है ना, ये कोई कॉन्स्टेंट तो होती नहीं है. जिस हिसाब से हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उसी के अकॉर्डिंग ये चेंज होती रहती है. लेट अस फाइंड आउट बाई डूइंग द फॉलोइंग एक्टिविटी. ओके, एक्टिविटी 10.2. जनरली वी आर नॉट अवेयर दैट वी आर ब्रीदिंग. ओके, नॉर्मली हम जब बैठे हैं, रेस्ट पोजिशन मीन्स हम कुछ नहीं कर रहे हैं, या तो रीडिंग कर रहे हैं, है ना, या जनरली सिटिंग कर रहे हैं, या वॉच टीवी देख रहे हैं, ऐसा टाइम जब हमारी बॉडी ज्यादा कुछ एक्सरसाइज फिजिकल वर्क नहीं कर रही है कोई, ठीक है, उस टाइम जो हमारी बॉडी है वो क्या करती है, ब्रीदिंग करती है. बट हमें उस चीज का पता नहीं चलता है ना, नॉर्मली हमें पता ही नहीं चलता कि हम ब्रीथ कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं. ठीक है, हाउएवर इफ यू ट्राई यू कैन काउंट योर रेट ऑफ ब्रीदिंग. बट अगर हम कोशिश करें तो हम उसे काउंट कर सकते हैं. ब्रीथ इन एंड आउट नॉर्मली. ठीक है, उसको सांस लो और छोड़ो, इस तरीके से हम उसको काउंट कर सकते हैं. फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स यू ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट इन अ मिनट. ओके, मीन्स ये देखिए, कोशिश करो इस चीज को ढूंढने की कि कितनी बार एक मिनट में कितनी बार आप ब्रीथ करते हो. ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट मीन्स सांस अंदर लेते हो और बाहर निकालते हो. Did you inhale the same number of times as you exhale? ठीक है, क्या हर बार सेम चीज आती है कि जितनी बार आप इनहेल करते हो उतनी बार एक्सहेल भी करते हो? Yes. Now count your breathing rate. अपनी ब्रीदिंग रेट को काउंट करो. ब्रीदिंग रेट कैसे? नंबर ऑफ ब्रीथ्स पर मिनट. एक मिनट में आपने कितनी बार ब्रीथ किया. आफ्टर ब्रिस्क वॉक. ब्रिस्क वॉक मीन्स होता है बहुत तेजी से चलना. ठीक है,
दौड़ना नहीं है, रनिंग नहीं है ये, लेकिन बहुत तेजी से जब हम चलते हैं तो उसको बोलते हैं ब्रिस्क वॉक। मॉर्निंग वॉक जैसे बोलते हैं ना, कुछ लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो वो कैसे वॉक होती है, उसमें ब्रिस्क वॉक होती है, मीन्स बहुत आपको फास्टली चलना पड़ता है, एंड आफ्टर रनिंग, और रनिंग करने के बाद रिकॉर्ड योर ब्रीदिंग रेट एज सुन एज यू फिनिश एंड ऑल्सो आफ्टर कंप्लीट रेस्ट। ठीक है, मीन्स उस जो अपनी जो ब्रीदिंग रेट है उन्हें रिकॉर्ड करके रखना है। टेबुलेट योर फाइंडिंग्स एंड कंपेयर योर ब्रीदिंग रेट्स अंडर डिफरेंट कंडीशंस विद दोज ऑफ योर क्लासमेट्स। ठीक है, आपको क्या करना है, उसको टेबुलेट, टेबुलेट मीन्स एक टेबुलर, एक टेबल बनानी है, उसमें अपने क्लासमेट्स के नेम लिखने हैं और इस तरह से अलग अलग कॉलम बनाने। देखिए जैसे इस टेबल में बना हुआ है, चेंजेस इन ब्रीदिंग रेट अंडर डिफरेंट कंडीशंस, नेम ऑफ क्लासमेट्स, क्लासमेट्स के हमने नाम लिख लिए हैं, सेल्फ, सेल्फ मीन्स हम खुद, नॉर्मल ब्रीदिंग रेट, नॉर्मल मीन्स जब हम रेस्ट पोजिशन में हैं, नॉर्मल है जब हम, ठीक है, तब कैसा होता है हमारा, आफ्टर ए ब्रिस्क वॉक फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट्स के लिए हमने तेज चला, उसके बाद हमारी ब्रीदिंग, सॉरी ब्रीदिंग रेट कितनी हो जाती है, एंड आफ्टर रनिंग फास्ट 100 मीटर, अगर हमने फास्ट रनिंग की तो अब क्या हो जाती है, और एट रेस्ट मीन्स रेस्ट कर रहे हैं, हम स्लिपिंग कर रहे हैं या कुछ देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कोई भी टाइम जो होता है उस टाइम हमारा ब्रीदिंग रेट क्या होता है। ठीक है, इस तरीके से इस कॉल ये हमें टेबल को फिल करना है। फ्रॉम द अबव एक्टिविटी यू मस्ट हैव रियलाइज दैट वेन एवर अ पर्सन नीड्स एक्स्ट्रा एनर्जी ही शी ब्रीथ फास्ट। पता ही है हमें, जब भी बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है कुछ ही ऐसे वर्क के लिए, तो हम फास्ट ब्रीदिंग करते हैं, मीन्स हमारी जो बोलते हैं ना हार्ट बीट है वो बढ़ जाती है, देखा होगा आपने, तो इट मीन्स क्या हो रहा है कि हार्ट को भी एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, एज वेल एज जो हमारा रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसे भी एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। इट मीन्स हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन होता है उस टाइम, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो हमारे बॉडी पार्ट्स तक किस तरीके से पहुँचती है, ब्लड के थ्रू ही पहुँचती है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिक्स होके तभी हमारे बॉडी पार्ट्स के अंदर पहुंचती है। तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, अगर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी तो ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ेगा, और उसी वजह से जो ऑक्सीजन है वो हमारे बॉडी पार्ट तक इजीली पहुंच जाएगी। ठीक है, इसीलिए जो हमारी जो हार्ट बीट है वो भी क्या होती है, बढ़ जाती है। एज अ रिजल्ट मोर ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू आर सेल्स, जो हमारे जो सेल्स हैं उन्हें ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। इट स्पीड्स अप द ब्रेक डाउन ऑफ फूड, जिससे क्या होगा, जो ब्रेक डाउन ऑफ फूड है मीन्स रेस्पिरेशन यही होता है ना, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, तो वो भी बढ़ जाता है, एंड मोर एनर्जी इज रिलीज, और ज़्यादा एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। डज दिस एक्सप्लेन वाई डू वी फील हंग्री आफ्टर अ फिजिकल एक्टिविटी। ओके, मीन्स इससे अब आपको समझ में आ गया है कि जब हम बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं, फिजिकल वर्क कर लेते हैं, थकान हो जाती है हमें, तो ज़्यादा भूख लगती है, हम बहुत ज़्यादा जैसे प्ले करके आते हो, आप खेल कर आते हो शाम के टाइम पर या सुबह के टाइम, तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद आपको लगता है ना भूख लग रही है बहुत तेज़, तो ऐसे लिए होता है क्योंकि जो एनर्जी है वो हमारी सारी वहाँ पर काम आ गई है, अब हमें और एनर्जी की ज़रूरत है, जिसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, फूड की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, देखिए इसमें मैं क्या लिखा है, ऑन एन एवरेज एन अडल्ट ह्यूमन बींग एट रेस्ट ब्रीथ इन एंड आउट 15 एंड 18 टाइम्स इन अ मिनट। अभी मैंने आपको बताया था जैसे 14 to 18 या 15 to 18 तक हम क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं 1 मिनट में। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीदिंग रेट कैन इंक्रीज अप टू 25 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, बट जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम हमारी जो ये ब्रीदिंग रेट है वो बढ़ जाती है, 25 तक हो जाती है। वाइल वी एक्सरसाइज नॉट ओनली डू वी ब्रीथ फास्ट, वी ऑल्सो टेक डीप ब्रीथ्स एंड दस इनहेल मोर ऑक्सीजन। ठीक है, ब्रीदिंग तो फास्ट होती है और उस टाइम हम डीप ब्रीथ करते हैं, मीन्स बोलते हैं ना गहरी सांस लो, मीन्स ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को हम इनहेल करने की कोशिश करते हैं उस टाइम, गहरी सांसें लेते हैं ना, बहुत तेज तेज सांस लेते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर चली जाए। ओके, व्हेन यू फील ड्रॉजी, ड्रॉजी मीन्स होता है नींद में होते हैं जब हम थोड़ा, ठीक है, डज योर ब्रीदिंग रेट स्लो डाउन, तो हमारी जो ब्रीदिंग रेट है वो स्लो डाउन हो जाती है। यस, डज योर बॉडी रिसीव सफिशियंट ऑक्सीजन, क्या हमारी बॉडी को सफिशियंट ऑक्सीजन मिल पाती है। एक्टिविटी 3, 10.3, फिगर 10.3 शोज द वेरियस एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय अ पर्सन ड्यूरिंग अ नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल लाइफ में
नॉर्मल डे। देखिए क्या क्या एक्टिविटीज हैं, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये सीढ़ियाँ चढ़ने की कोशिश कर रहा है, रीडिंग वॉक, ये सॉरी ये वॉक कर रहा है, धीरे धीरे वॉक कर रहा है, ये तेज वॉक ब्रिस्क वॉक कह सकते हैं, रन कह सकते हैं इसको, स्लीपिंग है, ये वर्क कर रही है अपना, ठीक है। तो इसमें इनको हमें अकॉर्डिंगली लगाना है कि जो ब्रीद रेट है वो किसकी सबसे कम है ब्रीदिंग रेट और किसकी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो आपको इनको अपने नंबर से अपने अकॉर्डिंग इनको नंबर देने हैं कि सबसे कम ब्रीदिंग रेट किसकी है, हो सकता है स्लीपिंग जो ये सो रहे हैं उनको सबसे कम की ज़रूरत है, या ये चल रहे हैं तो इनको सबसे कम की ज़रूरत है। तो इनको नंबरिंग जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स इस तरीके से इनको आपको अपने अकॉर्डिंग नंबरिंग देनी है। कैन यू से इन विच एक्टिविटी द रेट ऑफ ब्रीदिंग विल बी द स्लोएस्ट एंड इन विच इट विल बी द फास्टेस्ट, किसमें सबसे कम की जरूरत है और किसमें सबसे ज़्यादा की जरूरत है। Assign numbers to the pictures in the order of increasing rate of breathing according to your experience. अपने experience के according इनको आपको क्या करने है, numbering देनी है increasing order में, breathing जिसमें सबसे ज़्यादा breathing है उसको सबसे end में रखना है, और जिसकी breathing rate सबसे कम है position में उसको सबसे first number पे आपको रखना है, ठीक है। तो इनको numbering कर लेना। Next है how do we breathe, means हम breathe तो हमें पता है हम करते हैं रेस्पिरेशन करते हैं, बट क्या क्या हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, किन्स की हेल्प से हम ब्रीदिंग करते हैं और ये पूरा प्रोसेस किस तरीके से होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। आज हमने ब्रीदिंग पढ़ा है तो इस टॉपिक को एक बार अच्छे से क्लियर कर लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द टॉपिक हाउ डू वी ब्रीथ। सो ओके, सो टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।